क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस का रोल पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन में। आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जीन साइलेंसिंग कैसे करता है, किसी जीन से जाकर बाइंड होता है? नहीं, इसमें जो आरएनए इंटरफेरेंस में आरएनए आते हैं, जैसे कि siRNA, ठीक है, miRNA, ये जीन साइलेंट करते हैं। कैसे, जब जीन से आरएनए बनता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होके, और उस आरएनए से अब ट्रांसलेशन प्रोसेस होने वाली होती है, उस ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, उस आरएनए को ही खत्म कर देंगे, राइट। तो उस आरएनए से बाइंड कर जाएंगे, तो फिर वो फर्दर आरएनए किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, यानी कि वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा, और ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब कोई प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जीन साइलेंस है, राइट। दैट इज, तो देखो अब ऐसा जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आरएनए इंटरफेरेंस प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन बाय स्टेबलाइजिंग आरएनए, अरे बाय डिग्रेडिंग आरएनए, ये स्टेबलाइज तो नहीं करता बिल्कुल भी, राइट। तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हुआ। आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई इंड्यूसेस एमआरएनए डिग्रेडेशन और इनहिबिट्स ट्रांसलेशन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी है, आरएनए इंटरफेरेंस एक्टिवेट्स डीएनए रिपेयर एंजाइम। नहीं, ये कोई भी डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं करता, ये तो एंजाइम बनने ही नहीं देगा। एंजाइम क्या, प्रोटीन है, और उस प्रोटीन को तो ये बनने ही नहीं देता, राइट। तो ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्लियर है। आरएनए इंटरफेरेंस इनिबिट राइबोसोम बायोजेनेसिस, नहीं, उसको राइबोसोम के बायोजेनेसिस यानी कि राइबोसोम के सिंथेसिस को इनिबिट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर।